दोस्त मिल गई ब्रूनो को एक, है ना भाई, है ना भाई, ये कह रही है नीचे छोड़ो मुझे, चलो। ये देख लो भाई क्या करा इन महाराज ने, जो सोफे के पिलो थे उसकी पूरी धजिया उड़ा दिया है। मैं अभी अभी जब सो के उठा तो देखने को क्या मिलता है ये। हाँ भैया कुछ बोलना चाहेंगे आप? इधर इधर देखो, हैं इधर, मैं मतलब मारता नहीं हूँ मैं तो, कुछ भी करोगे? इधर देखो भाई, पूरी देखना क्या हालत करी है, सारी रुई निकाल दी पूरे पिलो की। ये वाला और बड़े वाला दोनों जो है पिलो नीचे पड़े हुए थे जब मैं उठा, रखे मैंने सोफे पे भी हुए थे यहाँ पर, भाई अभी ऊपर चढ़ने लग गया। जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, इसका साइज भी इतना बढ़ता जा रहा है, ये सोफे से भी चीज़ें उठाने लग गया है। अब खतरे की घंटी बज रही है भाई घर में, और पता नहीं गीला हो जाता है 2-2 मिनट बाद ही, अब इसको पहुंचना पड़ेगा। मिलो भाई हमारी प्यारी सी दुल्हन से। हाँ जी दुल्हन जी, ये देखो दुल्हन से मिल लो। नहीं, नो काटी काटी, पहले सारा सूखना अच्छे से, फिर करेंगे काटी काटी, अच्छे से सुखाओ पहले शांत। भाई जब जब दिन में ये एक्टिव होता है ना, महाभारत हो जाता है इसको सुखाना, तो मतलब इतना ज़्यादा उछलता कूदता है ना ये, देखो अभी भी काटने की कोशिश कर रहा है मेरे को ये। अरे हाँ भाई, अपना डायलॉग तो रह गया, तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 13 नवंबर 2020, यानी कि छोटी दिवाली। आप ये व्लॉग शायद से दिवाली वाले दिन देख रहे होंगे, यानी 14 को। तो भैया सबको हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, सब ले लो भाई। पता नहीं अगला व्लॉग कब ही आएगा, यानी जितने भी सारे डब्बे पड़े हैं ना बालकनी में, इन डब्बों का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मेरे पास 3 बालकनी है, जितने रूम है उतनी बालकनी है, बट ये जो एडिटर वाली रूम की बालकनी है ना, इसका व्यू मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, और इसी में ये सारे डब्बे फैले हुए हैं, तो बिल्कुल जगह नहीं बचती है बालकनी में, क्योंकि एक बालकनी में भाई वॉशिंग मशीन रखी हुई है, और दूसरी में कबूतर इतनी ज़्यादा पोटी कर जाते हैं, वैसे ही नहीं खड़ा हुआ जाता, या तो वहाँ पर नेट लगाना पड़ेगा पिजन वाला, या फिर इसी को कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करें यार, इनका जुगाड़ घर भेज देता हूँ, या तो यही हो सकता है। ये वाला जो व्लॉग है ना भाई, मैं पूरा 4K में शूट करूंगा, एंड 4K में ही एडिट करके अपलोड करूंगा। तो अगर आपके पास कोई भी 4K टीवी है, 4K मॉनिटर है अच्छा PC के साथ, तो प्लीज़ अपने उसमें देखना बड़ी स्क्रीन पे, और बताना कमेंट सेक्शन में क्वालिटी कैसी, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है जो मैं 4K में रेंडर करके अपलोड करूंगा। तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ भाई अपने 65 इंच के टीवी में देखने के लिए, बाकी आप लोग तो क्वालिटी बता ही दोगे। और मुझे पता है यार हैवी हो जाती है फाइल्स 4K की, एडिट करने में भी और अपलोड करने में भी। इंटरनेट का इतना इशू नहीं है मेरे यहाँ पे, बट भाई एडिटिंग में लगने वाली है। वैसे तो PC मेरा टॉप एंड है, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट स्टिल यार थोड़ी तो झंझट होती है 1080p से। तो देखेंगे, अगर कुछ बहुत ही तगड़ा क्वालिटी में फ़र्क है ना 4K में अपलोड करने में, तो हमेशा से 4K ही रखेंगे, वरना शूट 4K में करेंगे और अपलोड करा करेंगे 1080p में। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारी बिल्डिंग के जो गार्ड है ना भाई, वो कल ही एक नया पपी लाए हैं 35 दिन का, मतलब उनकी कोई जान पहचान वाले थे, उन्होंने दे दिया। ब्रीडर्स को देना नहीं चाहिए वैसे तो 35 दिन का पपी, थोड़े दिन और रखना चाहिए, बट अभी उसको सेरेलैक ही खिलाना है। तो मैंने उनसे पूछा क्या खिला रहे हो, तो उन्होंने बताया सेरेलैक खिला रहे हैं ह्यूमंस वाला। तो मैंने कहा मेरे पास पपी इसका भी पड़ा हुआ है सेरेलैक, क्योंकि मैं ब्रूनो के लिए लाया था, बट इसको कभी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसने सीधा जो है डॉग फूड ही स्टार्ट कर दिया था। तो ये डब्बा पैक का पैक है भाई, नीचे जाके दे आता हूँ। इतना क्यूट पपी है ना, बिल्कुल चुन्नू सा है, इतनू सा। तो अभी मैं जाके दिखाता हूँ अगर वो उठा होगा तो ये देखो भाई, ये है अपनी किटी, फीमेल है ये, 35 दिन की अभी, बिल्कुल छुटकू सी भाई साहब। अल्ले, इसे पक्का ब्रूनो की स्मेल आ रही होगी मेरे में से, इसलिए चाट रही है पैर। इधर देखो ये किटी, नो नो नो। ये देख लो भाई, अभी ब्रूनो थोड़े दिन बाद जब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, उसके सारे इंजेक्शन लग जाएंगे, तो इसके साथ खेल लिया करेगा नीचे आके। दोस्त मिल गई ब्रूनो को एक, है ना भाई, है ना भाई, ये कह रही है नीचे छोड़ो मुझे, चलो जाओ खेल लो। अभी मैं स्टोर पर ही जा रहा था, बट इतने में भाई वो एयरटेल वाले आ गए। एयरटेल एक्सट्रीम का सेट टॉप बॉक्स लगवाना है मैंने अपने टीवी पे, तो उसके ही इंस्टॉलेशन के लिए आ चुके हैं। 1-1.5 घंटा चला जाएगा, बट मुझे स्टोर जाना था, और एक ये कुरियर आया हुआ था नीचे, गार्ड भैया ने बताया 2 दिन से। मैं वही सोच रहा था यार, अमेज़ोन पर दिखा रहे डिलीवर्ड, लेकिन मेरे पास तो आया नहीं, तो वो कुरियर वाले भैया जो है अपने, वो नीचे गार्ड साहब को दे गए होंगे। तो मेरे ख्याल इसमें माइक का फिल्टर है, ये लगवा रहा हूँ देखो, एयरटेल एक्सट्रीम, और अभी भैया छतरी ऊपर लगवाने गए हैं।
4K में भाई एंजॉय करेंगे हम टीवी को। ब्रूनो पाजी अगर तुमने मेरे कैमरा पे अटैक किया तुम्हें बहुत पिटाई करेंगे हम तुम्हारी। हाँ भैया फिल्टर ही है। अबे यार ये तो छोटे हैं शायद से, मैंने अपने ब्लू येती के लिए मंगवाए थे, है तो ये 6 का सेट, 6 है 5 है, 5 है पता नहीं कुछ 250-300 रुपये के थे, बट ये भाई फिट ही नहीं आएंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ जाके, शायद से आ जाएगा यार मेरे हिसाब से लग जाएगा। ओबे फट गया, हाय हाय इतनी घटिया क्वालिटी का भाई, फट ही गया पहला ही। छी यार ये तो थर्माकोल सा लग रहा है, कुछ हल्का क्वालिटी है बहुत, आराम से लगाना पड़ेगा वरना दूसरा भी की भी धजिया उड़ जानी है भाई। ना लग रहा है ये दूसरा भी फट गया। अबे यार शिट भाई, पैसा बर्बाद, वापस करवाऊंगा मैं तो रिटर्न, इतनी हल्की क्वालिटी भाई। ये लो ये लो ये देख लो क्या हालत है ये देख लो। अबे यार हट, रिटर्न करवाना पड़ेगा फालतू में। अब तो यार कल इंस्टॉलेशन होते होते ना काफ़ी रात हो गई थी तो इसलिए मैं स्टोर पे जा नहीं पाया, और आज नेक्स्ट डे है यानी 14 नवंबर, हैप्पी दिवाली भाई लोग सभी को। मैं भी बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गया हूँ, सबसे पहले स्टोर जाऊँगा उसके बाद घर जाऊँगा। हैप्पी दिवाली ब्रूनो पाजी, हैप्पी दिवाली। आज इसकी भाई बुरी हालत होने वाली है, शाम को जब पटाखे बजेंगे ना, डॉग्स बहुत डरते हैं पटाखों से। बेटा अगर तूने मेरा कुर्ता फाड़ा आज तो आज तो पिटाई हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली, सुन रहा है? ओए नो नो नो, शूज़ भी नहीं, नहीं नहीं नो। और ये देखो भाई लग चुका है अपना एयरटेल एक्सट्रीम का सेट टॉप बॉक्स, और इस टाइम भाई बाजार में भीड़ बहुत होगी तो मैं सोच रहा हूँ बाइक ना ले जाऊँ, एक्टिवा ही ले जाऊँ, और बाइक वैसे भी बहुत गंदी हो रही है, तो एक बार आज दिवाली खत्म हो जाएगी ना, ट्रैफिक व्रैफिक भी कम हो जाएगा बाजार में, तो उसके बाद जो है कल या परसों मैं बाइक को वॉशिंग के लिए भी ले जाऊंगा, और शायद से एक दिन मुझे करोल बाग भी जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी बहुत और मॉडिफिकेशन करवानी है, क्योंकि मम्मी पापा थोड़े दिन में आने वाले हैं पंजाब से वापस गुड़गांव में, तो ब्रूनो उनके साथ रह पाएगा और मैं ट्रिप पे जो है निकल पाऊंगा, इंटरनेशनल नहीं करूंगा लेकिन हाँ अभी एक दो महीने बाइक ट्रिप 2-4 मार के आऊंगा भाई, जहाँ जहाँ मन है मेरा मनाली मनाली, तो देखते हैं भाई बहुत प्लान्स है। मैं फटाफट से आपको मोटर व्लॉगिंग सेटअप में मिलता हूँ। चलो भैया जी, ये देखो भाई बाइक की हालत देखो, ओहो हो हो सड़ी पड़ी है, एक्टिवा भी सड़ी पड़ी है वैसे तो। खैर चलो हल्की फुल्की तो साफ कर ली, एविएटर निकलते हैं भाई फटाफट से। किट्टी नहीं दिख रही नीचे मेरे ख्याल से, भैया ने अंदर रख रखा होगा। अरे भैया तो, और आज भाई सबकी छुट्टी है दिवाली वाले दिन, तो सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ पार्किंग में लगी पड़ी है। लेट्स गो निकलते हैं भाई। जैसे मैं अभी ना गुड़गांव में ही रहता हूँ जो फ्लैट लिया, बट हल्का सा ना वो थोड़ा बाहर की साइड है, तो यहाँ पर ना इतना फील नहीं होता कि दिवाली आ गई है, लेकिन जैसे ही मैं मेन बाज़ार में घुसता हूँ ना अंदर, सदर बाज़ार में या फिर हमारा जो आपका बाज़ार है जहाँ पे स्टोर है अपना भाई, वहाँ पे असलियत पता चलती है कि हाँ दिवाली आ गई है, और कोरोना का कोई नामो निशान कहीं नहीं दिखता है, मतलब लोगों को डर अब ख़त्म हो चुका भाई। देख लो कितनी भीड़ होती है, आराम से मस्त घूम रहे हैं लोग चिपक चिपक के एक साथ, तो सब डर ख़त्म हो गया, वो शुरू में था उल्टा, जब कम केसेस थे भाई जब ज़्यादा डर था, अब जब इतने सारे केसेस आ रहे हैं ना रोज, उस टाइम पे डर बिल्कुल ख़त्म हो गया लोगों के बीच में। पर खैर गलती नहीं है भाई लोगों की, कब तक डर के घर में बैठे रहेंगे, ये तो है नहीं, लाइफ जी नहीं छोड़ देंगे बिल्कुल लोग, बस ये है कि भैया प्रिकॉशंस रखो अपना, सेफ्टी के साथ जाओ, मास्क पहनो, सैनिटाइज करते रहो, और कुछ नहीं चाहिए। और ये ऑफ रोड इतना ख़तरनाक, ये देखो भाई यहाँ से पता चलती है असलियत पूरी, इतना ट्रैफिक भीड़। अभी तो दिन में तो फिर भी कम है, शाम को जब मैं यहाँ से वापस आऊँगा, नहीं आज शाम को नहीं होगी यार इतनी भीड़ क्योंकि दिवाली है ना, वरना इस टाइम पे मतलब शाम को इस जगह पे बहुत तगड़ी भीड़ होती है। और इस एविएटर ने भाई इतने साल हो गए मेरा साथ नहीं छोड़ा, मतलब 6 साल हो गए शायद से लिए हुए, 2014 में ली थी मैंने ये, और मस्त चल रही है। हालांकि इसका जो मीटर है वो ख़राब था, 19,000 किलोमीटर नहीं चली है, कम से कम 30,000 किलोमीटर तो चली होगी, 30 भी नहीं तो 25 प्लस तो भाई पक्का पक्की बात है चली होगी, क्योंकि इसके बीच में 2 बार मीटर ख़राब हो गया था, तो वो रीडिंग नोट ही नहीं हुई है, मैंने 6-6 महीने तार लगवाई नहीं थी वापस से। बट अब जो है स्पीडोमीटर भी चालू है, फ्यूल मीटर तो चलता ही था, और अपना ये भी बढ़ता रहेगा अब किलोमीटर भी। और हम आ गए हैं भाई अपनी स्टोर की रोड पर। जब आप गूगल मैप के थ्रू आओगे ना तो गूगल मैप आपको इस वाले चौराहे पर ले आएगा, अगर भाई हेलमेट पहन के नहीं आ रहे, लाइसेंस नहीं है, तो ये ध्यान रखना है पुलिस चौकी है, PC लेने से पहले ही आपको धर के चलान काट लिया जाएगा। और ये वो चौराया है, और वो सामने हमारी बिल्डिंग है राइट में जहाँ पर स्टोर है अपना, 2nd फ्लोर पे 202 नंबर। ये देखो यहाँ से मेरे को आगे से यूटर्न लेना है, वो रहा गेम सुख का, बड़े बड़े बोर्ड दिख गए होंगे आपको, काफ़ी सारे बोर्ड लगवा लिए थे हमने, पहले लोग कन्फ्यूज हो जाते थे क्योंकि। ए बस यहाँ से यू टर्न मारना है। लो पाजी आ गए आ गए आ गए, ओहो आज तो यहाँ भी खाली पड़े हैं, वरना यहाँ पार्किंग नहीं मिलती इस टाइम पे 11-12 बजे के आसपास तो। और आज देखो भाई
पूरी नीचे से मार्केट खाली है, लगभग सारा कुछ बंद ही है, हमने स्टोर खोला हुआ है। तीनों भाई आए अपने, अभिनव भी, रवि भी और वो भी शिवम भी, क्योंकि थोड़े बहुत पेंडिंग थे ऑर्डर, तो भाई वो निपटाने ज़रूरी थे। हैप्पी दिवाली भैया। ये रहा अपना स्टोर। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। वो सैनिटाइज कर लूँ। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। शादी शादी कर रहे आज? हैप्पी दिवाली सर। अभी जो है एक दिक्कत हो गई है, जितने भी पीसी थे, जितने भी और हेडफोन्स कीबोर्ड के ऑर्डर थे, वो हमारे एंड से पूरे रेडी है भाई, पैक पड़े हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज जो है वो है दिवाली, तो शिपिंग वाले जो है, डिलीवरी वाले जो है सॉरी, वो पिकअप के लिए नहीं आएंगे। कल संडे है, कल भी नहीं आएंगे, फिर मंडे को भैया दूज है, मंडे को भी नहीं आएंगे, और ट्यूसडे को जाके ये सारे कुरियर जो है भाई यहाँ से जो है डिस्पैच होंगे, तो आपको उसके बाद भी फिर दो तीन दिन में मिलेंगे। तो यार ये फेस्टिवल सीजन की वजह से थोड़ा डिले हो गया इस बार, तो घबराना मत भाई, जिस जिसके ऑर्डर है मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा लेट हो गया बट आ जाएगा। और हाँ, वो स्पाइडरमैन की जो डिस्क लॉन्च हुई थी, वो भी भाई सारे ऑर्डर पैक के पैक पड़े हैं, बट कोई लेने नहीं आया अभी तक डिलीवरी में से, तो वो भी ट्यूसडे को ही निकलेंगे मेरे ख्याल से। तो भाई आज दिवाली वाले दिन भी सब लोग आ गए थे पेंडिंग ऑर्डर ख़त्म करने, इसलिए छोटी सी दिवाली पार्टी चल रही है यहाँ पर। जल्दी आओ, जल्दी घर ठंडा हो जाएगा वरना फटाफट निपटाओ। आ जाओ भैया, तुम भी शिवम ब्रदर। चलो जी, खाना तो हो गया है पार्टी का, अब आइसक्रीम खा लेते हैं। हालांकि मेरा गला भी अभी ठीक हुआ है एक दो दिन पहले ही, बट कोई नहीं भाई, दिवाली है, थोड़ा तो मीठा चलता ही है। खोलो भैया, ये खुलेगी नहीं पर मीठा चलता है, पर खुलेगी। तो ये तुम्हें जिम किस लिए करवाई है, इतने साल है तभी करवाई है ताकि तुम आइसक्रीम के डब्बे खोल सको। ये देखो, ये नए नए जिम वाले तोड़ने को यहाँ यहाँ जिम नहीं, यहाँ पे माइंड लगाना था। अच्छा, सीन थी। ओ मतलब कि सीख गए मेरे से। वेरी गुड। ये तो बर्फ लग रही है, चम्मच है नहीं, उंगलियों से खानी पड़ेगी अब। भाई कोई दुबई जा रहा हो तो बता दो। अरे हाँ, दुबई जा रहा हो तो शिवम भाई की गर्लफ्रेंड रहती है, कुछ गिफ्ट भिजवाना है इनको। है भैया, ओए हाँ प्लीज भाई, और साथ में लेके जाना है तो आई एम रेडी। बस पासपोर्ट नहीं है, बिना पासपोर्ट के जाना पड़ेगा। स्मगल करवाओ इसको। हाँ स्मगल। भाई अभी शाम के 4 बज गए और मैं वापस से फ्लैट जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रूनो के खाने का टाइम हो गया। वैसे तो मैं उसे 3:30 बजे खाना देता हूँ दोपहर को, बट आधा घंटा लेट हो चुका है, तो उसको मैं खाना देकर फिर घर निकलूँगा, क्योंकि दुकान के बाहर भी आज थोड़े से दिए और मोमबत्ती जलानी है, और घर पर दिवाली सेलिब्रेट करके मैं जल्दी आ जाऊँगा वापस फ्लैट पर, क्योंकि रात को मुझे काम है। अब पटाखे वटाखे छुड़ाने का तो शौक़ ख़त्म ही हो चुका बिल्कुल ही, तो वो तो खैर अब है ही नहीं ज़्यादा। चलो जी, आ गए हैं, फटाफट से चलते हैं अपने ब्रूनो पाजी सेठ जी के पास और उन्हें खाना डाल के देते हैं। हाँ जी पाजी, सुसु कर रखा है सारी जगह। आ गया आ गया आ गया, मैं आ गया। अभी तो यार जाके दिए भी लाने हैं बाजार से, दिए भी नहीं है क्योंकि यार इसकी दही भी ख़त्म पड़ी है। दोपहर को मैं इसको खाने में दही भी डाल के देता हूँ 250 ग्राम, बट दही है नहीं यार, मैं लाना भूल गया। चलो कोई नहीं, कल खिला देंगे दही। अभी आधा घंटा लगेगा भाई अच्छे से सोक होने में, और फिर ठंडा भी होगा, फिर ही दूंगा इसको मैं। इसको मेरा कुर्ता पसंद आ गया, और ये देखो, ये ट्राई कर रहा है कि कुर्ता मिल जाए। नो, नया कुर्ता है मेरा, नहीं खाना। सारी मेरी जीन्सों में, टी शर्ट में, सब में छेद कर दिए इन महाराज ने, अभी मेरा कुर्ता भी खाना चाहते हैं। भाई मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, मैं स्टोर पे जाता हूँ सोच के कि 15-20 मिनट में आ जाऊँगा काम निपटा के, बट वहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है, और 1-2 घंटे मिनिमम तो है वहाँ पे वेस्ट होने ही होने होते हैं। हाँ थक गया भाई, कोई नहीं, जल्दी जल्दी खाना दे के निकलना है। चलो भाई, खाना खुना दे दिया, खा भी लिया ब्रूनो ने, 6 बज गए शाम के, फटाफट बाजार जाता हूँ दिए लेकर, स्टोर पे जाऊँगा वहाँ पे दिए जला के फिर घर निकलूँगा। तो अब मैं कैमरा को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, एक तो इतना भारी भरकम सा सेटअप है, रस्ते में लेकर डोल नहीं सकता इसको, और घर पर तो वैसे ही मैं कुछ शूट नहीं करने वाला, तो मैं आपसे सीधे रात को यहीं पर आगे स्टोर पर मिलूँगा, है ना जी। तो चलो भाई, आज का दिन जो है वो फाइनली ख़त्म हो चुका है, ख़त्म मतलब दिवाली एक तरह से ख़त्म हो गई, पटाखे तो अभी भी बज रहे हैं, और मैं करने जा रहा हूँ भाई अपने AJ गेमिंग यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर की। कल ही मैंने खरीदी थी और अब जो है रेगुलर लाइव स्ट्रीम चला करेगी AJ गेमिंग पे, तो आप में से कोई लाइव देखना चाहता है मुझे गेम खेलता हुआ तो सब्सक्राइब मार दो उस चैनल को भी। चलो मैं शुरू करता हूँ फटाफट से, 10:15 हो गए रात के, 10:30 बजे स्ट्रीम शुरू करनी है, और मैं मिलता आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। और एक और भाई, आप सभी को हैप्पी दिवाली। चलो जी, बाय।